गाइस, मैंने लिया है 45 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या हम 45 डेज में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, जिसका आज है डे 16। मार्केट से पहले सुबह उठकर मैंने किया थोड़ी देर एक्सरसाइज। फिर गाइस, मार्केट खुलने के पहले हम बैठ गए अपने ट्रेडिंग सेटअप पर और मार्केट को क्या एनालाइज और लगाए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारे आज के मार्केट के लिए काम आएंगे। फिर गाइस, मार्केट खुला आज पूरा साइडवेज। खुलने के बाद मार्केट में कुछ मूव समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। फिर मैंने यहाँ एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग किया, जिसमें मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि मुझे निफ्टी में एम चार्ट का फॉर्मेशन दिखा और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग किया। पर गाइस, मार्केट आज मेरा ट्रेड से पूरा ऑपोजिट था, इसीलिए आज मुझे लॉस दिखने को मिला, वो भी 823 रुपीज का। फिर गाइस, मैंने और कोई ट्रेड पंच नहीं किया क्योंकि आज मुझे मार्केट में डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा था मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। फिर गाइस, मेंटेन किया हमने अपना एक ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें हमने लिखा डे 16 823 रुपीज लॉस, टोटल प्रॉफिट 4408 रुपीज। फिर गाइस, हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए आ गए बैडमिंटन खेलने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।